हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। और फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम करने वाले हैं मेरे ड्रेड्स को रिपेयर वापस से। ये देख सकते हैं आप, जो बाल बाहर निकल चुके हैं ड्रेड से, इन्हें वापस से रीहूक किया जाएगा। तो वही ये सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज, और देखते हैं कैसा लगेगा आपको सारा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है अपने बालों की कंडीशनिंग अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी। ये देख सकते हैं आप, जो बाकी के बाल हैं वो सारे ड्रेड से बाहर हैं, तो इन्हीं को वापस रीहुक करना है। और बाकी आज हमारे साथ हैं रोहित भाई, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अल्टीमेट आर्टिस्ट है। और मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा इंस्टाग्राम हैंडल का, आप वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हो जो भी चाहे ड्रेड्स के लिए। बाकी बहुत रीजनेबल प्राइसिंग है भाई की, और बहुत ही सफाई से काम करते हैं। मैंने काफ़ी बार ड्रेड्स करवाया, बट जब से मैंने इनसे करवाया, अपने ड्रेड्स की सेटिंग मैं इनसे ही करवाता हूँ। एंड ये आज आ रखी है हस्की हमारे पास, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइटिंग वाइटिंग तो नहीं जलानी थी? उजाला काफी होगा सफिशिएंट। ओके, लेंथ काफी बढ़ चुकी है, क्यों मिल भी चुके हैं आपस। अब धीरे धीरे करके जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी, वो पाँच पाँच छः छः नीडल हो जाएंगी साथ में। हाँ भाई, मतलब पहले जितना टाइम लगता था ना, अब उससे 1/3 लगता है। बहुत बेहतरीन, ये जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। फिर हाँ, छः छः महीने में करेंगे इसको। हाँ, जब मैंने स्टार्ट करा था अपना जर्नी, उस टाइम पे मैंने पहला था इसका इसमें, मतलब इंस्टाग्राम तो मैंने आपका आपसे स्टार्ट करा था। उससे पहले मैंने थोड़े रेट्स कर चुका था, पर जब से मैंने ये प्रोफेशनल पेज पे, मैं आप मेरे पहले थे। जब आप प्रोफेशनल या स्टूडियो में, तो पहला कस्टमर था आपका। हाँ, तो आज भी हम कनेक्टेड है, तो वही होता है ना कि बंदे का काम बोलता है। हाँ, मतलब कैसा किस लेवल का काम कर रहा है सच में। हुकिंग हो चुकी है, हम 5 बजे से बैठे हुए थे, अभी बज रहे हैं आई गेस, वो पीछे चेक कर सकते हो आप, रात के 8:30। काफ़ी गेस्ट भी थे, वीकेंड था तो भीड़ भी काफ़ी थी, उस चक्कर से थोड़ा थोड़ा गैप लेके ये पूरा एरियाज क्लियर होगा ड्रेड्स का, कि कहाँ पर कौन सा ड्रेड है। बाकी रीहुकिंग का यही बेनिफिट है कि आपके ड्रेड्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि फ्रंट से नहीं है पीछे से हैं, तो
अब ये देख सकते हो, अब आगे से लेकर पूरे पीछे तक थ्रेड्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है मामला कि आगे से भी ड्रेड है। बाकी कल सुबह मिलते हैं, थोड़ा बात कल सुबह करते हैं, जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। बाकी के वीडियो में थोड़ा कल सुबह शूट करूँगा, आप लोगों को जो भी डिटेल्स है मैं कल सुबह देता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल गेस्ट का चेक इन का टाइम हो रखा है एंड वो आने वाले ऑर्डर वगैरह रेडी करना, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम हमें भी चाहिए और मैं शूट नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ हो रही थी, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, पहले भी मेरे पीछे भी बैठे हुए थे और वो थोड़ा बहुत हो जाता है चीज़, अब जब कोई बैठा हुआ तो लैंग्वेज वगैरह भी वैसे यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने सारा म्यूज़िक डाला हुआ है पीछे से ही। और कल सुबह मिलते हैं फिर, बाकी बात करते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। एवरीवन क्या हाल है आप सबके, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है, आज कर रहा हूँ मैं शूट फिर से, कल रात थोड़ा बहुत गेस्ट थे वीकेंड के चक्कर में तो रात में लेट सोना हुआ, अभी 10 बजे उठा हूँ सो के, तो मैंने सोचा वो पूरी जो हमारी अधूरी कहानी थी वो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। तो आप चेक कर सकते हो वॉइस की ड्रेड कैसे हो रखे, कितने नीट एंड क्लीन है, आपको बिल्कुल एक एक ड्रेड की नीचे से जो रूट है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी। तो ये रीहुकिंग का फ़ायदा होता है, तो ये ड्रेड्स का रीहुकिंग का फ़ायदा होता है कि आपको सारे ड्रेड्स एक एक नीट एंड क्लीन दिखेगा एंड उसकी रूट जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी और विजिबल होगी। बाकी आपने अभी स्टार्टिंग में देखा ही होगा वीडियो में कि जो मेरे बाल थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मकड़े का जाला जैसा, पूरा झाड़ हो रखा था और अब बिल्कुल क्लियर है सारे के सारे ड्रेड्स। और धीरे धीरे जैसे इनके नीचे से लेंथ बढ़ेगी बालों की और जो बाहर निकलेंगे तो फिर वापस हो जाएगा, फिर सेटिंग करवानी पड़ती है, फिर बालों को रिपेयर करो आप, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। एंड आई एम सॉरी गाइस, कल भीड़ थोड़ा ज़्यादा थी, इस चक्कर से हम पूरा मतलब डिटेल में ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, बट जितना हो सकता था मैंने कोशिश करी कि मैं वो सारी चीज़ें कवर्ड कर लूँ और थोड़ा बहुत हमें गेस्ट भी देखने थे, उस चक्कर से मैंने सोचा कि जो भी जितना टाइम है हमारे पास वो कवर करके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ उसे, और मैंने अपना बेस्ट दिया है। होपफुली आपको अच्छा लगे और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। गाइस हम अब बिगिनर, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मेरे व्लॉग्स इतने अच्छे नहीं होते मे बी, बट जो भी 20-50 लोग जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं मैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर दिन जो भी करता हूँ वो कवर करूँ और फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स डालता रहूँ, तो होपफुली आप अपना प्यार और साथ बनाए रखें। और अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे जैसे करके मैं रोज़ डालता रहूँगा तो मे बी थोड़ा बहुत स्किल इन्हेंस हो जाएगी और अच्छे बेटर तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको पोर्ट्रे कर पाऊँ सारी चीज़ें, और आप लोगों का साथ रहेगा तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस जो मैंने ड्रेड्स करवाए हैं वो सिर्फ मैंने रीहुक नीचे रूट से करवाए हैं अपने ड्रेड्स, ताकि वो क्लियर दिखे एंड वो जो सारे बाल एक दूसरे में जुड़ जाते हैं नीचे से आते हुए वो ना हो, और ऊपर से मेरे जो लेंथ है मैंने वैसी रखी है, वो मैंने वापस से रीहुक नहीं करवाई है, क्योंकि एक्चुअल में उसका रीज़न ये है कि रीहुकिंग के टाइम में क्या होता है कि वो बहुत हार्ड हो जाते हैं एंड हार्ड होने के बाद मेरे को, वैसे भी मैं मोस्टली बन बनाता हूँ आपने देखा ही होगा, कभी कभार मैं होता है कि खोल दूँ क्योंकि मुझे हेलमेट वगैरह पहनना होता है उस चक्कर से, और अगर आप पूरे ड्रेड्स रीहुक करवाते हो तो उसमें एक्चुअल में ये होता है कि वो हार्ड होने के बाद आपका बन नहीं बनेगा क्योंकि आपके ड्रेड इतने ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और फोल्ड ही नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ रूट्स रीहुक करवाई हैं बस, और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगा। लास्ट टाइम तो आई गेस अराउंड 20 आवर्स लगे थे जब मैंने पूरे ड्रेड्स करवाए थे रीहुक वापस से, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी था, इस बार जल्दी काम हो गया। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे हैं आपको, और भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उनके अकाउंट का भी, और ये चेक कर सकते हो, मैंने भाई का प्रमोशन करने के लिए ये यहाँ पर लगवाया उनका पोस्टर भी, और यहाँ पीछे भी है, मैं दिखा देता हूँ कि भाई को ज़रूर फॉलो करना, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है वो, ये चेक करो आप, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है रोहित भाई, आप कभी भी बात कर सकते हो और मेरा रेफरेंस ले लेना, तो श्योरली डिस्काउंट करेंगे भाई आपके लिए। सो गाइज ड्रेड्स के पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है कि ड्रेड्स क्या करते हैं आपकी लाइफ में और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जो मेन रोल है ड्रेड्स का वो ये है कि वो आपकी बॉडी की जो भी पॉजिटिविटी रहती है, मतलब वो आपके अंदर ही रहती है और फ्लो करती रहती है, वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाने देता है पॉजिटिविटी। मेन जो ड्रेड्स का सिंबल है वो यही है और ड्रेड्स यही दिखाते हैं, जो सिंबलाइज करते हैं ड्रेड्स वो यही है कि पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है एक इंसान के अंदर, एंड होपफुली मेरे अंदर भी काफ़ी है जब से मैंने करवाया एंड मुझे फील होती है वो सारी चीज़ें, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को मतलब गलत इम्पैक्ट ले लेते हैं इसका कि ये स्मोक करते हैं या फिर वीड लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग कुछ नहीं करते वो भी ड्रेड्स करवाते हैं। बेसिक जो पहले हमारे एंशियंट टाइम में था जो ड्रेड्स चलते थे वो यही था कि इंसान के अंदर जो पॉजिटिविटी रहती है वो मेंटेन रहती है इस सब चीज़ से, तो मैंने करवाया, आप चेक कर सकते हो। एंड अगर आप लोग कहोगे तो क्या पता मैं अपनी बीएड भी थोड़े टाइम में ड्रेड करवा लूँ, तो बताना ज़रूर कि करवानी चाहिए या नहीं। अभी तो थोड़ी इसकी इतनी लेंथ है नहीं, बाकी मेरे इतने ज़्यादा थिक हेयर है नहीं, काफ़ी दूर दूर रहते हैं, तो कोशिश करूँगा कि अगर अच्छी हो जाएगी लेंथ में तो मे बी मैं बीएड में भी ड्रेड्स करवा लूँ, अगर आप लोग चाहोगे तो ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगे, और जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर
और सब ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।